आप सभी का फिर से एक नई वीडियो में स्वागत है। आज की वीडियो में आपको बताने वाले हैं, अगर मार्केट में आप नए हैं, न्यू ट्रेडर हैं, तो उन्हीं के लिए वीडियो है। देखिए, अक्सर होता क्या है, लोगों के पास पैसा होता है तो उनको लगता है कि हम जितना पैसा लगा देंगे, मतलब हम जितना क्वांटिटी बाय करेंगे उतना ज़्यादा प्रॉफिट होगा, लेकिन ऐसा नहीं होता। जैसा कि आपको मालूम हुआ कि मार्केट में दो तीन तरीका से परफॉर्म करता है, या तो मार्केट अप होता है, या तो डाउन होता है, या तो साइडवेज होता है। अप डाउन अप हो गया तब तो प्रॉफिट हो गया, ठीक है, मतलब आपके साइड चल गया, डाउन हो गया तो आपको नुकसान हो गया। अगर साइडवेज हो गया तब प्रीमियम ऐसे ही है, बाय डिफ़ॉल्ट कम होते चला जाता है, ठीक है ना। तो हम जो आज आपको वीडियो बताएंगे, इसमें आपको एक लॉट चैलेंज है। एक लॉट चैलेंज का ये मतलब है कि आपके पास कितना भी पैसा हो उससे मतलब नहीं है। आप अगर मार्केट में नए हैं तो एक लॉट से ज़्यादा ट्रेड नहीं कीजिएगा। इसका सबसे बड़ा बेनिफिट क्या होगा कि एक चीज़ समझिए, ये जितना अधिक लॉट होगा उतना फ़ायदा भी होता है, क्योंकि अगर आपके साइड मार्केट चल गया तो, लेकिन आपके अगेंस्ट अगर उल्टा मार्केट चला गया तो उस स्थिति में नुकसान भी होगा। तो नए ट्रेडर है तो कम से कम हमारे हिसाब से, देखिए इस मार्केट में हर आदमी का अपना अपना सेटअप है, ठीक है ना, तो हमारे हिसाब से जो है कम से कम 3 से 6 महीना आप एक लॉट पर ट्रेड कीजिए। उसके बाद है मंथ के लास्ट में आप कैलकुलेशन कीजिए कितना प्रॉफिट लॉस है। अगर आप इन द मंथ अगर आप प्रॉफिट रहते हैं तो कम से कम 3 से 6 मंथ के बाद, जो 3 से 6 मंथ बाद, आप डायरेक्ट एक लॉट से सीधे 10 लॉट नहीं लेना है, एक लॉट के बाद आप 2 लॉट लीजिए। तो इस वीडियो को जो हम माध्यम से आप लोगों को बताना ये चाहते थे कि न्यू ट्रेडर के लिए आप एक चैलेंज के तौर पर खुद को लीजिए कि हमको एक लॉट से ज़्यादा ट्रेड नहीं लेना है। बहुत से ऐसे वीडियो है, वीडियो गलत नहीं होता है, मतलब वीडियो में लोग देखते हैं कि उसको इतना प्रॉफिट हो गया तो वीडियो के कारण वो बहकावे में आ जाते हैं, उनको भी लगता है कि हमें भी प्रॉफिट हुआ, तो उनका वीडियो गलत नहीं होता क्योंकि, लेकिन आप ये नहीं समझ पाते कि वो एक्सपीरियंस के दम पे कमाए हैं। उनके पास इतना एक्सपीरियंस हो चुका है कि एक लॉट नहीं, वो 10 लॉट भी लेंगे तो भी प्रॉफिट में रहेंगे। उनको पता है कि किस समय मार्केट में एंट्री करना है, किस समय मार्केट से एग्जिट करना है। तो दूसरे का वीडियो देख के आप ये मत कहिए कि वो 10 लॉट में प्रॉफिट कमाए तो हम भी कमाए, तो उनके पास में एक्सपीरियंस है लेकिन आपके पास में एक्सपीरियंस नहीं, आप न्यू ट्रेडर हैं। तो आप क्या कीजिए कि एक लॉट के साथ खुद को चैलेंज कीजिए कि हम एक लॉट ही ट्रेड करेंगे। अब और भी हम आपको वीडियो बताएंगे कि एक दिन में कितना ट्रेड करना चाहिए, तो वो अलग वीडियो बनाएंगे क्योंकि यहाँ वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो इस वीडियो के माध्यम से जो आप लोग को हम बताना ये चाह रहे थे कि आप लोग एक लॉट का खुद से चैलेंज कीजिए कि हमको एक लॉट रोज ट्रेड करना, इससे अधिक ट्रेड नहीं करना है, भले ही डीमैट अकाउंट में कितना ही पैसा आपका क्यों नहीं पड़ा हो, एक लॉट के साथ ट्रेड कीजिए। उसके बाद एंड द मंथ जो है आप वहाँ पर कैलकुलेशन करके देखिए कि इस मंथ में आपको लॉस कितना हुआ, प्रॉफिट कितना हुआ, क्या आपने कैपिटल डाला था उससे अधिक प्रॉफिट हुआ या कम हुआ है। अगर अधिक प्रॉफिट हुआ है तब आप एक लॉट से 2 लॉट की ओर बढ़िएगा, लेकिन कम से कम हमारा जो बात है मानिए तो 3 मंथ कम से कम न्यू ट्रेडर एक लॉट पर ट्रेड कीजिए। अगर आपको लगता है कि प्रॉफिट हो रहा है, आप इन द मंथ देखिएगा, तब उसका 2 लॉट शुरू कीजिएगा, उसका 3 के बाद 6 मंथ जब हो जाएगा, धीरे धीरे जैसे जैसे समय बीतता जाएगा आपको अनुभव हो जाएगा, तो आप अपना कैपिटल अनुसार जो है जो लॉट बढ़ाते चले जाइएगा। तो इस वीडियो के माध्यम से जो आपको हम बताना ये चाह रहे थे कि न्यू ट्रेडर है, एक लॉट का चैलेंज कीजिए, दूसरे का किसी का भी वीडियो, हम किसी चैनल का नाम नहीं ले रहे हैं, किसी भी वीडियो को देख के ये नहीं कि वो 100 क्वांटिटी बाय किया, मतलब 4 लॉट, जैसे बैंक निफ्टी का 25 का लॉट होता है तब 2500 का 100 हो गया ना, तो अगर कोई 4 लॉट लिया तो उसका देख के हम भी ले लिए, वो नहीं करना है, ठीक है ना। तो आप न्यू ट्रेडर है तो आप एक लॉट में ही ट्रेड कीजिए, इससे आपको फ़ायदा होगा। या सबसे बड़ा चीज़, आप न्यू ट्रेडर है तो ज़्यादा फोकस कीजिएगा, सीखने पर रखिएगा। अगर आज आप अगर सीख गए ना तो भविष्य में आप बहुत पैसा कमाएंगे, लेकिन अगर शुरू में ही आप प्रॉफिट के चक्कर में पड़िएगा तो प्रॉफिट का तो पता नहीं, अगर डिसिप्लिन थोड़ा सा भी नहीं फॉलो कीजिएगा तो आपको नुकसान होने से कोई नहीं रोक सकता है। हम भी आपको बता रहे हैं, हम भी कुछ नहीं कर पाएंगे, ठीक है ना, बाद में खोजते चलिए कि भाई मेरा अकाउंट रिकवर कर दो, ये कर दो, ऐसा कुछ होता ही नहीं है, ठीक है ना। तो आप लोग एक लॉट का चैलेंज कीजिए और इसी को ध्यान में रखते हुए सीखिए। बाकी और भी कोई दिक्कत है तो आप लोग कमेंट कीजिएगा, हम उस पर वीडियो बना देंगे। तो चलिए इसी के साथ वीडियो को हम समाप्त करते हैं, फिर से मिलते हैं अगले वीडियो में।